तो दोस्तों आज के हमारे क्लास का तीसरा दिन है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शर्ट कटिंग के बाद जब इसकी सिलाई की शुरुआत की जाती है तो उसमें किस किस तरह से उसकी पेस्टिंग की जाती है, पट्टी चिपकाएंगे, कप चिपकाएंगे, कॉलर चिपकाएंगे, जेब चिपकाएंगे और उसके बाद आगे शर्ट की किस तरह से सिलाई होगी, वो सब आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने शर्ट का फुल स्टिचिंग का कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने मेजरमेंट से लेकर लास्ट सिलाई तक की जो शर्ट का पूरा प्रोसेस होता है सब हमने इसको कंप्लीट किया है कोर्स के जरिए से। इसलिए आप हमारे चैनल अकरम फैशन डिजाइनर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी खबर पहुंचा दीजिए। जो भी शर्ट सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल यानी अकरम फैशन डिजाइनर को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शर्ट की स्टिचिंग किस तरह से होगी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी हम शर्ट की पेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं यानी शर्ट को बनाने की शुरुआत करते हैं तो हमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं शर्ट में लगाने के लिए। वो क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास साइज का कॉलर होना चाहिए, उसके साथ हमें यहाँ पर दो कप चाहिए और उसके बाद ये है हमारे पास फैशन पट्टी, जो सामने पट्टी बनाई जाती है कज बनाने के लिए, जहाँ पर कज बनाए जाते हैं ये पट्टी वहाँ पर लगती है। तो ये तीन सामान हमारे पास होने बहुत जरूरी है और इन्हीं सामानों से हम इसकी करेंगे आगे की प्रोसेस। तो ये देखिए दोस्तों ये शर्ट है जो हमारी, हमने इसको कल बांध कर रख दिया था, अब इसको दोबारा से खोलेंगे क्योंकि खोलने से ही इसका अंदर का जो कपड़ा है वो बाहर आएगा और कपड़ा किस किस तरह से और कौन सा कपड़ा काम आएगा हम आपको साथ में ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी बाजुएं हैं, ये हमारी बाजू हैं, इनको हटाएंगे साइड में, इनका पेस्टिंग में कोई काम नहीं है। साथ में हमारा तीरे का भी हमारे इसमें कोई काम नहीं है और हमारा जो बैक वाला पार्ट्स है ये वाला, इसमें भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों कपड़ों को हमें एक साइड में रख देना है और उसके बाद सबसे पहले हम जो प्रोसेस शुरू करते हैं पेस्टिंग करने का वो करेंगे हमारे फ्रंट वाले हिस्से से, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरीके से, देखिए कट लगाने से दोस्तों फायदा ये होगा, ये हमें पता रहेगा कि यहाँ पर हमने एक निशान लगाया है। और ये हम कट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ तो हमने निशान लगा रखा है पहले से ही लेकिन नीचे कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो चौक से निशान लगा लें या फिर चाहे तो इसमें इस तरीके से कट लगा लें। इस तरीके से कट लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी करेंगे प्रेस। प्रेस करने से यहाँ पर जिसमें जो हल्की हल्की सी सलवटें हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दो कपड़े हैं हमारे, इसमें से एक कपड़े में हमारी कज वाली पट्टी बनेगी और दूसरे कपड़े में से बनेगी हमारी बटन वाली पट्टी। और वो किस तरह से बनेगी आप देख लीजिए, मैंने इस कपड़े को इस तरीके से बिछाया है, ये जो दो किनारे हैं ये रखे हैं मैंने मेरी तरफ और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा जहाँ से हमने कटिंग की है तो यह वाला हिस्सा रखा है हमने इस तरफ। तो आपको भी इसी तरीके से कपड़े को जमा लेना है। अगर आप इसको इस जमाना सीख जाएंगे तो आप इसको कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं, बाद में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं तो दोनों किनारों को अपनी तरफ ले लेना है और जहाँ से कटिंग हो रखी है ये हिस्सा रखना है आपको इस तरफ। तो ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से और इस निशान को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से दोनों कटों को बराबर कर लेंगे और ये हमारा कट हो जाएगा और ये भी हमारा कट हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ से बराबर कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इसकी प्रेस कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमने इसकी प्रेस कर ली है। अब समझने की बात यह है ये जो हमने फोल्ड किया है ये हमारी बनने वाली है बटन पट्टी जिसमें हम बटन लगाएंगे और बटन वाली पट्टी की प्रेस करने के बाद इसको रखेंगे साइड में इस तरीके से। और ये जो हमारा कपड़ा है नीचे वाला ये हमारा सीधा है तो हम इसको दोबारा से इस तरीके से बिछाएंगे और ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा ऊपर की तरफ और उल्टे वाले हिस्से में हम पट्टी को चिपकाएंगे, पट्टी इस तरीके से चिपकाएंगे, इस पट्टी को इस कट के ऊपर जमा देंगे यहाँ पर और दूसरे कट के ऊपर यह वाला हिस्सा आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से इसको प्रेस फेर देंगे। इस तरीके से दोस्तों इसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस फेरनी है क्योंकि जितने प्रेस हमारी गर्म रहेगी उसके साथ साथ इसके अंदर की जो गोंद है वो इस कपड़े के अंदर चिपक जाएगी और ये कपड़ा मजबूती से इसका हमारी फैशन पट्टी से चिपक जाएगा। इस तरीके से इसको चिपकाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे वापस इसके ऊपर। इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से इसको सीधा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ऊपर से इसको फेर लेंगे। इससे दोस्तों अब हमारी पट्टी है जो सही तरीके से चिपक चुकी है, या फिर आप इसको इस तरीके से जमा कर भी देख सकते हैं, ये हमारी शर्ट का इस तरीके से हिस्सा आ जाएगा और ये हमारा है जो इस तरीके से आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपने शर्ट जो पहन रखी है, मैं इस तरीके से खड़ा हूँ तो ये शर्ट मान लो मैंने पहन रखी है, तो ये जो हमारा उल्टा वाला हाथ होता है यहाँ पर तो हमारी शर्ट में कस किए जाते हैं, और जो सीधा वाला हाथ होता है यहाँ पर अब इसमें बटन लगाए जाते हैं हमेशा। तो इस तरीके से आप पहचान कर लें, उल्टे वाले हिस्से में आपको पट्टी चिपकानी है और जो सीधा वाला हिस्सा होता है यानी सीधे हाथ वाला, यहाँ पर आपको बटन लगाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पट्टी चिपक चुकी है, और इस तरीके से आप यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने क्यों लगाया है ये हम आपको बताएंगे सिलाई के, जब अभी हम सिलाई करेंगे तो आपको ये निशान आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक कपड़ा उठाएंगे और इस कपड़े को दोबारा से प्रेस से सीधा करेंगे, जहाँ पर भी सलवटें नज़र आ रही हैं हल्की फुल्की, और अब हम इसमें चिपकाएंगे हमारी कॉलर को। ये जगह होती है दोस्तों तीरे की कटिंग वाली, यहाँ पर हमेशा कॉलर चिपकाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कॉलर है और इसका साइज भी यहाँ पर हमने 14 इंच का रखा है। तो इसको चिपकाने के लिए इस तरीके से यहाँ ये जो बीच इसके अंदर जो गैप है, इस गैप को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। इसमें दो जॉइंट हैं, दोनों जॉइंटों को हटाएंगे, और ये जो हमने जॉइंट हटाया है इस तरीके से था, तो यहाँ पर हम एक बीच सेंटर में कट लगा देंगे। इसी तरीके से ये वाला जॉइंट था, इसके ऊपर भी हम कट लगा देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको चिपकाएंगे प्रेस से इस तरीके से। इस तरीके से चिपकाने के बाद ये जो हमारी, इसको बैंड पट्टी बोला जाता है, जो कॉलर का दूसरा वाला हिस्सा होता है, इसको भी इसी के साथ चिपका लेंगे। इसको हम यहाँ पर चिपका लेंगे, जहाँ पर भी हमें सही जगह मिल जाएगी इसको चिपकाने की वहीं पर इसको चिपका लेंगे। इस तरीके से चिपको चिपकाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग, यानी जितना हमें कपड़ा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया है यहाँ से इस कपड़े को बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हमें कपड़े को बराबर नहीं काटना है, जबकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से भी यही प्रोसेस रहेगा। ये जो हमने पेस्टिंग चिपकाई है यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर इसी की शेप में हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमने कट लगाया है, कट के यहाँ हमें सिर्फ 1/2 इंच के लगभग यानी उससे कम हमें कपड़े की कटिंग करनी है। यहाँ पर इतना ही कपड़ा चाहिए, आप देख सकते हैं एक साइड तो हमें यहाँ पर इतना कपड़ा चाहिए, दूसरी साइड हमें 1/2 इंच के लगभग या उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से ये इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसमें कट लगा देंगे ज़रा ज़रा से, उसके बाद यहाँ पर हम कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको रख देंगे हम साइड में, क्योंकि अब यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई हमें लगानी है। और उसके बाद ये हमारी जो कॉलर है, अब कॉलर की यहाँ से कटिंग करेंगे हमें, जो हमारे सिलाई के दबाव में आ जाए। इस तरीके से अब ये सही तरीके से सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसके नीचे के लिए कपड़ा चाहिए, जिसको कॉलर की तय बोला जाता है, और उसके लिए जो कपड़ा चाहिएगा हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। कपड़ा हमें जितना कपड़ा ये है हमारा, जिसमें हमने कॉलर शेप का ये, इतना ही साइज का हमें कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़ा हमारा यहाँ निकलने के बाद ये हमारी हो जाएगी बैन, इसको रखेंगे साइड में। तो देखिए दोस्तों, कॉलर चिपकाने के बाद ये हमारे पास कपड़ा है, और इस कपड़े में हम चिपकाएंगे कफ, और कफ चिपकाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रेस फेर लेंगे कपड़े के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सलवटें होती हैं उससे वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ये कफ है हमारा, इसको यहाँ पर चिपकाएंगे, और कफ चिपकाते वक्त आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ से कफ, ये जो कपड़ा है कफ का, ये यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ पर ये सीधा है, तो हमें सीधा वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखना है इस तरीके से। और जब भी हम इस कपड़े को इस तरीके से मारेंगे तो ये कपड़ा है जो हमेशा 1/2 इंच से एक्स्ट्रा हमेशा होना चाहिए, 1/2 इंच से कम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्रेस फेर देंगे। इस तरीके से प्रेस फेरने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद इसको उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद इसके ऊपर प्रेस फेर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों ये हमारा जो कफ है अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। उसके बाद ये जो कप है हमारा, इसको इसी के ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी प्रेस फेर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग इस तरह से करेंगे, यहाँ से हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, देखिए इस तरीके से कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ये कपड़ा चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनकी भी कटिंग कर लेंगे, जिससे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक हमारा कप चिपक चुका है, इसको भी रखेंगे साइड में, और
ये हमारा दूसरा कप है, ये वाला, इसको भी हम इसी तरीके से चिपकाएंगे। और इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ से हम उल्टा कर प्रेस फेर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको पलट कर देखते हैं तो ये कपड़ा हमारा नीचे का नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसमें हम दूसरा कपड़ा जोड़ देंगे, तो हमारा ये कप भी चिपक चुका है। अब हमारे पास जो ये कपड़ा बचता है, हम इसमें से जेब चिपका लेंगे। तो अब हमें एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए चौक पट्टी। जो हमारे जो बाजू है हमारी कप वाली, उसमें कपड़ा जो लगाया जाता है उसको चौक पट्टी बोलते हैं। और ये जो हमारा कपड़ा है, इसमें से हम चौक पट्टी बनाएंगे। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, हमारी चौक पट्टी है उसका साइज 5.5 इंच का है, तो यहाँ पर हमें चौक पट्टी कम से कम 7.5-8 इंच की चिपकानी होगी, क्योंकि हम इसको एक्स्ट्रा ही चिपकाएंगे और जो एक्स्ट्रा होगी बाद में उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पट्टी चिपका ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी वाली पट्टी को भी फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से एक बार फोल्ड करके दोबारा से इसको यहाँ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे। चौक पट्टी फोल्ड करना दोस्तों बहुत ही आसान है, और चौक पट्टी आप जब भी फोल्ड करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए सब जगह से, इसमें जब भी फिनिशिंग आएगी। तो अब सबसे कम आखिरी बचता है, वो जब बचता है दोस्तों प्रेस से जेब चिपकाने का। अगर आपके पास पैटर्न नहीं है तो आप जेब किस तरह से चिपकाएंगे वो आपको बताते हैं। जेब का साइज जो भी है, हम यहाँ से जो कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे 5.5 इंच की, हम साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं। 32 इंच है हमारा, उसके लिए हमने यहाँ से कितना लिया है 5.5 इंच का, तो इसको यहाँ पर ये देखिए यहाँ से 5.5 इंच की कटिंग हमने कर ली है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें 5.5 इंच के कपड़े की कटिंग फिर से करनी होगी, वो इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग करने के बाद इन दोनों कपड़ों को हम आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। ये तरीका दोस्तों वो है अगर आपके पास पैटर्न नहीं है तो, क्योंकि हर किसी के पास पैटर्न नहीं होता, तो उसी के अंदाजे से हम इसको बता रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना होगा। ये वाला कपड़ा है जो जरा सा, इसको ज़्यादा फोल्ड करेंगे और यहाँ से जो कोना वाला कपड़ा है इसको कम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद प्रेस फेर देंगे इसके ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये निशान बन जाएगा इसमें। इस तरीके से फिर इसको वापस सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसको 1/2 इंच के लगभग फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से जेब को भी चिपकाने के बाद इसको भी रखेंगे साइड में, और अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से निकालेंगे तीरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तीरा है, इसको शोल्डर भी बोलते हैं। और ये हमें हर शर्ट बनाने के लिए इसके दो कपड़े चाहिए, हर शर्ट में ये दो कपड़े लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर रख देंगे। और जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से कहीं से भी एक इसी तरह का कपड़ा निकाल लेंगे इसी के साइज का, और बिल्कुल इसी की नाप का हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यह कपड़ा है जो हमने नीचे वाला तीरा, यानी ये हमारा कटिंग वाला तीरा है, और ये जो बाद वाला तीरा है ये हमने इसको फिक्स नहीं लिया है, लेकिन कटिंग हम इसको इसी के साइज का, इससे जरा जरा सा इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, और जब भी हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई करने के बाद ये सिलाई लग जाएगी, उसके बाद फिनिशिंग वाली जो हम इसमें सफाई करते हैं उसी में हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो दोस्तों अब हमारी जो पेस्टिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा तीरा हो गया, ये हमारी जेब हो गई, और ये हमारे कप कॉलर हो गए, ये हमारी कॉलर हो गई, और ये हो गए हमारे कफ, और ये हो गई हमारी चाप पट्टियां। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने 5 चीजों को एक साथ चिपकाया है, यानी इसको सेट किया है। चाप पट्टी हो गई, कफ हो गया, कॉलर हो गया, ये हमारी जेब हो गई, और ये हो गया हमारा तीरा। बाकी तो हमारे शर्ट का पूरा सामान हमारे पास है ही। तो इस तरीके से पेस्टिंग करने के बाद अब हमें इसका एक काम बचता है, सिर्फ वो बचता है इसकी सिलाई का, और सिलाई किस तरह से होगी वो भी हम आपको बताएंगे अगले भाग में। जब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और आक्रम फैशन डिजाइनर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बारीकी से सिखा रहे हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक चीज को समझें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारे आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप इन पर कॉन्टेक्ट करें या फिर हमें डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।